पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए हमले में शहीद हुए जवानों पर युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है। अलवर में नगली सर्किल पर युवाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और पाकिस्तान का झंडा भी जलाया। सीज फायर का बार बार उल्लंघन कर भारतीय सेना के जवानों पर हमला करने के विरोध में युवाओं में आक्रोश है। इससे पूर्व शहीद स्मारक पर शहीदों को याद करते हुए मोमबत्ती जलाकर शहीद हंसराज गुर्जर को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व प्रधान योगेश मिश्रा, हिमांशु शर्मा, कृष्ण कुमार, राजेश कृष्ण सिंह, नरेंद्र मीणा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिस तरह से नापाक पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे देश के साथ गद्दारी करके जिस तरह से हमारे शहीद सैनिकों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, आज उसको लेके उनका झंडा जलाया गया। आप ये देखिए कि जो 10 सेर लाने की बात करते थे एक सर के बदले, आज वो कहीं भी नहीं दिख रहे। आज हमारे बीच हमारा साथी हंसराज गुर्जर आज शहीद हो गया, उसको लेके आज हम ही सभी युवा वर्गों ने आज उनके सम्मान में हमने पाकिस्तान का झंडा जलाया। और आपके चैनल के मार्फत से बताना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं जो मीठी मीठी बात करके बरगला के देश को, जिसने ये कहा कि साहब मैं एक सर कटेगा तो 10 सर लाऊंगा, 10 कटेंगे तो 100 सर लाऊंगा, आज 82 सर हमारे कट चुके हैं पर एक भी सर लाने की हिम्मत नहीं रखता है, थोड़ा सा भी काम करता है उसको बड़ा करके दिखा देता है। इस तरह से हमारे देश का शहीद होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा, उसको लेकर आज सारा युवा वर्ग बहुत आक्रोशित है और इस आक्रोश स्वरूप उन्होंने आज ये प्रदर्शन किया है। और हमारे शहीद हंसराज गुर्जर के लिए हमने शहीद स्थल पर आके उसके लिए शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख के उसको श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी शर्मनाक घटना जो घटी है, कलवर के शहीद हंसराज जी के लिए हमने इकट्ठा होना पड़ा, उनको शहीद श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि ये हमारी निकम्मी जो केंद्र की सरकार बैठी है उसका परिणाम है। वो बहुत कहते थे कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, एक के बदले 10 सर लाएंगे, और हर भाषण में कहते हैं कि 40 साल में 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन आज ये साबित कर दिया उन्होंने कि वास्तव में जो 70 साल में जितने शहीद हमने नहीं कर पाए, पाकिस्तान हमारे सामने नहीं टिक पाया, जितने 4 साल में उतने हमारे देश के नौजवान और शहीदों को कर दिए। और पाकिस्तान की वजह से हालात इतने खराब, हमारे कश्मीर के हालात इन्होंने जिस बदतर कहे हैं वो निश्चित रूप शर्म की बात है। प्रधानमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, केंद्र सरकार को, कि वो अपनी स्थिति बदले। एक तरफ जहाँ ये स्ट्रिंग ऑपरेशन की बात और 50 तरह की भाषणबाजी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जाकर के पाकिस्तान के बिरयानी खाने जाते हैं और हमारे शहीद रोजाना, हमारे नौजवान शहीद होते जा रहे हैं। और ये हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है वो आज विदेश यात्राओं पर आज भी जश्न मनाने के में डूबा हुआ है। इस प्रकार की केंद्र सरकार की सरकार का हम घोर निंदा करते हैं और वहीं हमारे अमर शहीदों को हम श्रद्धांजलि, हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।